नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देश को एक साथ जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी वसई विरार में क्या दो दलों में बटी हुई है, ऐसा आज प्रतीत हुआ। दरअसल आप सभी ने देखा होगा, इससे पहले मैंने वीडियो डाला, उसमें एक वीडियो था वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मोर्चा था, आंदोलन था। अब मैंने जो आगे बात कही वो क्यों कही, उसके पीछे क्या कारण है, आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा। तो ये जो मोर्चा था, यह मोर्चा इस मोर्चे के लिए आह्वान किया था समीर वर्तक ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के पर्यावरण विभाग के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। समीर वर्तक कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और जुझारू नेता है, जो कई बार वसई विरार अंतर्गत आंदोलन, उपोषण, यहां तक कि आमरण उपोषण तक कर चुके हैं और कई बार जनता के प्रश्नों को लेकर सतत तौर पर महानगर पालिका प्रशासन से भिड़ते रहे हैं। लेकिन इनकी इसके उलट जो मैं अभी बात कर रहा हूं, यहां बात यह है कि क्या कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है, तो उसका सब्जेक्ट ऐसा है कि समीर वर्तक का यह आंदोलन था, इसमें समीर वर्तक के साथ और भी कई लोग, अलग अलग संस्था के लोग शामिल हुए, लेकिन खुद कांग्रेस के बड़े नेता गायब रहे। इन बड़े नेता में कांग्रेस की तरफ से खुद को आमदार का दावेदार मानने वाले और आमदार का चुनाव लड़ चुके विजय पाटिल का नाम शामिल है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल अल्मेरा का नाम शामिल है और दूसरे कांग्रेस की जो कोर कमेटी है वो सभी लोग इस मोर्चे में नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में यही सवाल एक दौड़ रहा है। जैसा मेरे जहन में यह सवाल आया तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। ऐसी क्या बात है कि आखिरकार सभी वर्तक अगर कोई आंदोलन या मोर्चा निकालते हैं कांग्रेस के बैनर तले, तो उसमें विजय पाटिल, अनिल अल्मेरा ये लोग नजर नहीं आते हैं। जबकि राष्ट्रीय लेवल पर देश में जब कोई कुछ हंगामा होता है और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरती है, तब अनिल अल्मेरा और विजय पाटिल बराबर सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। और तो और, अभी चंद महीनों पहले एक सामाजिक संस्था द्वारा बुलाए गए आंदोलन में भी विजय पाटिल शामिल हुए थे। तो अपनी ही पार्टी के द्वारा बुलाए गए आंदोलन में विजय पाटिल का शामिल नहीं होना, इसको क्या समझा जाए? क्या सिर्फ राजनीति जो है वो राष्ट्रीय लेवल पे या राजकीय लेवल पे होती है? क्या राजनीति का सरोकार स्थानिक लेवल पर नहीं है? क्या स्थानिक मुद्दे उनकी अहमियत नहीं है? समीर वर्तक ने कुछ 28 मुद्दे, बड़े बड़े 28 मुद्दों पर ये मोर्चा आयोजित किया था और सभी जानते हैं कि ये मुद्दे काफी अहम मुद्दे हैं, जिनमें फिर पानी का मुद्दा हो, सर्वधर्म दफन भूमि का मुद्दा हो, जनता को नई मिल रही सुख सुविधाओं का मुद्दा हो, पर्यावरण का विषय हो, कई मुद्दे, 28 मुद्दे थे जिनको लेकर समीर वर्तक ने सुबह से दोपहर तक मोर्चे का आयोजन किया, आयुक्त को मिलकर पत्र दिया और कहीं ना कहीं एक दमदार मोर्चे का आयोजन करके कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन को हिलाया। लेकिन फिर वही कि समीर वर्तक के साथ कांग्रेस के कुछ लोग थे, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पर्यावरण विभाग के लोग थे, लेकिन
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल अलमड़ा नदारद थे और विजय पाटिल जो कि एक बार कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में जा चुके हैं, आमदार जी का चुनाव लड़ चुके हैं। क्या जो व्यक्ति एक बार आमदार जी का चुनाव लड़ चुका है और आने वाले समय में खुद को आमदार का प्रत्याशी मानकर चल रहा है, वह व्यक्ति जनता के स्थानीय मुद्दों पर अगर सड़क पर नहीं आएगा तो क्या जनता उसको चुनकर लाएगी? यह सवाल भी बड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी अगर लोकसभा चुनाव के साथ में हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक साल से भी अब कम समय बचा है जब लोकसभा चुनाव है, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के भी लोकसभा चुनाव के साथ होने के पूरे पूरे आसार है। ऐसे में विजय पाटिल जो सोच रहे कि वसई विधानसभा से वो चुनाव लड़े तो क्या उनको जनता का साथ रहेगा? ये सवाल बड़ा है। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, यही रुकेंगे अभी। और भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क